नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वसीर। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। लगातार सरकार पर दबाव रहेगा, लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार बोलने से बच रहे हैं। कल भी उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जवाब नहीं दिया और तेजस्वी यादव के भी सवाल पर जवाब नहीं दिया, बल्कि पुराने कार्यकाल को याद दिला रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया जा रहा है, लगातार विपक्ष के पुराने कार्यकालों को लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिना रहे हैं। जिनका वर्तमान पूरा खराब है वो भूतकाल की याद दिला रहे हैं। भाई, 15 वर्ष हो गए, 15 वर्षों में जो भी रिपोर्ट आ रहा है सब में बिहार फिसड्डी हो रहा है, नीचे से टॉप कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछेगा क्या हमें पता नहीं है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है बिहार के, प्रदेश के, ये भी उनको पता है कि नहीं, ये पता करना होगा। हर मामले पर बिहार पीछे जा रहा है और एक से एक मिसाल कायम हो रहा है। गरीबी में टॉप पर, बेरोजगारी में टॉप पर, कुपोषण में टॉप पर, ये रिपोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी यादव जी का रिपोर्ट नहीं है, आरजेडी का, नीति आयोग का रिपोर्ट है। मामले की गंभीरता को समझिए। और इसमें बिहार फिसड्डी है, इसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जवाब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किए उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर बिहार किस मामले में बेमिसाल है ये बताए जेडीयू के लोग। ये बेमिसाल का जो ये ढोल बजा रहे हैं 15 साल बेमिसाल, इसी के लिए बेमिसाल है बिहार। तो ये अब कि प्रदेश के मुखिया को ही कोई जानकारी नहीं है कोई रिपोर्ट का, तो जनता का क्या जानकारी रखेंगे कि कौन भूख से मर रहा है, कौन बेरोजगारी की मार से परेशान है, कौन गोली और पिस्तौल से किसको मारा जा रहा है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, ना याद है। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या राजद पूरे मुद्दे को उठाएगी सदन में, किस तरीके से घेरेगी? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है और कल जब सत्र शुरू होगा नेता प्रतिपक्ष के सीधे तीखे सवालों के बौछार होंगे और सत्ता पक्ष को जवाब नहीं सूझेगा। इस तरह से चारों ओर शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो, चाहे अन्य मामले हो, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, किस तरह से चारों ओर आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, तो सत्ता पक्ष के पास ये सवालों का जवाब तेजस्वी यादव जी का नहीं रहता है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि अगर सरकार में हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब दे दे। एक आखिरी सवाल है, क्या राबड़ी देवी भी सदन में कल शामिल होंगे? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत नासाज है, सबको पता है, इसलिए वो दिल्ली आनंद फानंद में गई है। तो तबीयत जब वहाँ उनका ठीक नहीं है तो निर्भर करता है उनकी तबीयत पर कि वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, अभी इसकी जानकारी हमें नहीं। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। इनका कहना है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी सरकार जो है लगातार जवाब देने से बचती है। तो मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भी पता है कि नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा हमला किया है। मृत्युंजय तिवारी ने बता दें कि कल से विधानसभा के शीतकालीन का सत्र जो है चालू होने वाला है और इसमें जो है विपक्ष सरकार पर जोरदार हमला करेगी, जोरदार सवाल खड़े करेगी, जिस तरीके से जहरीले शराब से लोगों की मौत हुई है बिहार में और नीति आयोग की रिपोर्ट पर। तो बने हमारे साथ, आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।